हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे बलरामपुर ज़िला। बलरामपुर ज़िला पे चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्लियर है? अब देखें, यदि बलरामपुर ज़िले का गठन यदि गठन देखें तो बलरामपुर ज़िला का गठन 2012 में किया गया था। क्लियर है? 2012 में बलरामपुर ज़िले का गठन किया गया था और सरगुजा ज़िला से इसे अलग कर इसे बलरामपुर ज़िला को बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें मैप देखें तो मैप देखें अब मैप देखें यदि बलरामपुर ज़िला जो है देखें तो बलरामपुर ज़िला तीन राज्यों को स्पर्श करता है। क्लियर? ये जो तीन राज्य हैं ये झारखंड है। क्लियर है? ये है आपका उत्तर प्रदेश और ये है आपका मध्य प्रदेश। ये तीन राज्यों को क्या करता है? बलरामपुर ज़िला स्पर्श करता है। और यदि बात करें उत्तर प्रदेश की तो बलरामपुर ज़िला जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र ज़िला है। क्लियर है? तो बलरामपुर ज़िला जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला एकमात्र ज़िला है। क्लियर है? अब देखें बलरामपुर जिला ये जो है सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर को स्पर्श करता है। तो सूरजपुर को स्पर्श करता है बलरामपुर जिला, सरगुजा जिले को स्पर्श करता है और जसपुर जिले को स्पर्श करता है। क्लियर है? अब देखें यदि हम देखें स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे तो यहाँ से जो है बलरामपुर जिला से स्टेट हाईवे वन वन नंबर की सड़क यहाँ से गुजरता है और स्टेट हाईवे थ्री यहाँ से गुजरता है और नेशनल हाईवे 243 यहाँ से गुजरता है। क्लियर है? अब देखें वाड्राफ नगर की बात करें तो ये तहसील और विकासखंड दोनों हैं। क्लियर है? तहसील और विकासखंड दोनों है वाड्राफ नगर। क्लियर? ये है पवई जलप्रपात। पवई जलप्रपात जो है ये चनान नदी पर स्थित है। पवई जलप्रपात जो है ये चनान नदी पर स्थित है। क्लियर है? यह है आपका रामानुजगंज। यह है आपका रामानुजगंज। रामानुजगंज जो है विकास खंड और तहसील दोनों है। विकास खंड तहसील दोनों है और विधानसभा क्षेत्र है और ये एसटी के लिए आरक्षित है। क्लियर है? रामानुजगंज जो है एसटी के लिए आरक्षित है, विधानसभा क्षेत्र है, विकास खंड है और ये क्या है? तहसील है। क्लियर? ये हम देखें यदि हम देखें यह है कोठली जलप्रपात। क्लियर? यह है कोठली जलप्रपात। कोठली जलप्रपात जो है कन्हार नदी पर स्थित है। कोठली जलप्रपात जो है यह कन्हार नदी पर स्थित है। क्लियर? अब देखें बलरामपुर। बलरामपुर जो है यह जिला मुख्यालय है। बलरामपुर जो है ये जिला मुख्यालय है और नगर पालिका परिषद यहाँ पास स्थित है। क्लियर? ये है आपका सेमोरसोत अभ्यारण्य। सेमोरसोत अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना 1978 में इसकी स्थापना की गई थी सेमोरसोत अभ्यारण्य। और यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो 430 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। क्लियर है? अब देखें जारंगपाट जो है बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार जो है जारंगपाट में है। बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार जारंगपाट में है। क्लियर है? और ये राजपुर जो है तहसील और विकास खंड दोनों है। शंकरगढ़ ये जो है तहसील और विकास खंड दोनों है। कोसमी भी तहसील और विकास खंड दोनों है। क्लियर?
अब देखें सामरी पाठ, सामरी पाठ की बात करें, ये जो सामरी पाठ है, सामरी पाठ जो है इसकी ऊंची चोटी गौरालाटा, सामरी पाठ की ऊंची चोटी गौरालाटा है। इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यही जो है गौरालाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। अब बात करते हैं जामीर पाट। जामीर पाट में बॉक्साइट का मैदान है। क्लियर है। जामीर पाट में बॉक्साइट का मैदान है। अब बात करते हैं डीपाडी। डीपाडी जो है ये कन्हार नदी के तट पर स्थित है। डीपाडी जो है कन्हार नदी के तट पर स्थित है। ये पुरातात्विक स्थल है। क्लियर। पुरातात्विक स्थल है और यहाँ जो है प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिरों का क्या है, समूह है। क्लियर है। उसके बाद देखें ताता पानी। ताता पानी को यदि हम देखें तो ताता पानी जो है ये गर्म जल का क्या है, स्रोत है। गर्म जल का स्रोत है ताता पानी, और यहाँ जो है गर्म पानी का फुहारा भी स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें एक चीज़ याद रखें कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। क्लियर है। जो बलरामपुर ज़िला है यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, और एक चीज़ याद रखिए कि ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। क्लियर है। सबसे उत्तरी ज़िला जो है ये बलरामपुर ज़िला है। क्लियर है। अब देखें बलरामपुर ज़िले की विस्तृत जानकारी देखेंगे हम। क्लियर। गठन की बात करें, बलरामपुर ज़िले के गठन की बात करें तो 2012 में इसका गठन किया गया था। क्लियर है। और मातृ ज़िला जो है वो है आपका सरगुजा। क्लियर है। अब बात करें मुख्यालय की। मुख्यालय जो है वो है आपका बलरामपुर। जिला मुख्यालय कहाँ है, बलरामपुर में स्थित है। क्लियर है। अब देखें सीमावर्ती ज़िला तीन, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। क्लियर है। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो तीन है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और आपका मध्य प्रदेश। क्लियर है। उत्तर प्रदेश। अब देखें तहसील और विकासखंड की बात करें तो बलरामपुर, शंकरगढ़, राजपुर, रामानुजगंज, वाड्राफ नगर और कुसमी। क्लियर है। ये छह तहसील है और छह विकासखंड भी है। क्लियर है। यदि हम बात करें विधानसभा क्षेत्र की तो विधानसभा क्षेत्र जो है रामानुजगंज है, जो कि एसटी के लिए आरक्षित है, और पाट सामरी ये भी एक एसटी के लिए क्या है, आरक्षित है। क्लियर है। यदि हम बात करें नगर पालिका परिषद जो है एक है वो बलरामपुर में है। ठीक है। तो बलरामपुर जिला मुख्यालय में है। यदि हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे 243 नंबर की सड़क यहाँ से गुजरता है। क्लियर है। भूगर्भिक सेल समूह की बात करें तो गोंडवाना क्रम का सेल समूह है, दक्कन ट्रेप्ट का है और धारवाड़। क्लियर है। खनिज की बात करें तो कोयला क्षेत्र जो है यह है आपका शंकरगढ़, तारा, ताता पानी और लहसुन पाट। क्लियर है। ये कोयला क्षेत्र है। क्लियर है। तो कोयला क्षेत्र जो है शंकरगढ़, तारा, ताता पानी, लहसुन पाट, ये क्या है आपका, कोयला क्षेत्र है। क्लियर है। अब बात करें बॉक्साइट क्षेत्र की बात करें तो पाट प्रदेश टाटीझारिया, लहसुन पाट और जामरी पाट। क्लियर है। तो बॉक्साइट क्षेत्र की बात करें तो पाट प्रदेश में है ये टाटीझारिया, लहसुन पाट और जामीर पाट। क्लियर है। अब बात करें अभ्यारण्य को देखें तो सेमोरसुत अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी
और क्षेत्रफल की बात करें तो 430 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है। अब बात करें जनजाति की, तो जनजाति जो है सौरा, पारधी, कोरकू जनजातियां यहाँ निवास करती है। क्लियर है। अब देखिए पुरातात्विक स्थल डीपाडी जो कि कन्हार नदी के तट पर है, और यहाँ जो है प्राचीन मंदिरों का क्या है समूह है, और यही जो है डीपाडी में महिषासुर मर्दानगी की मूर्ति है, और एकमात्र ब्रह्मा की मूर्ति जो भी है वो जो है वो डीपाडी में स्थित है। क्लियर है। अगर बात करें पाट प्रदेश, पाट प्रदेश की बात करें तो सामरी पाट सबसे छत्तीस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा यहाँ सामरी पाट में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। जामीर पाट की बात करें तो बॉक्साइट का मैदान है, जामीर पाट में बॉक्साइट का मैदान है, और जारंग पाट में बॉक्साइट का घर है। क्लियर है। बॉक्साइट का भंडार जो है वो जारंग पाट में है। क्लियर है। अब देखें ताता पानी, ताता पानी जो है गर्म जल का फुहारा है, गर्म जल का फुहारा है, विद्युत उत्पादन है, 30 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन करता है। क्लियर है। विद्युत उत्पादन जो करता है वो 30 मेगावाट करता है, और ये जो है प्रदेश का एकमात्र जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित है, जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित है, प्रदेश का एकमात्र प्रोजेक्ट स्थापित है यहाँ, जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित है। कोटली जलप्रपात जो कि कन्हार नदी पर है, और पवई जलप्रपात जो कि चनान नदी पर है। क्लियर है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है। थैंक यू।